बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन एंड सेफ एट योर होम। आई एम योर टीचर मिस आयशा अली। एज़ यू नो वी आर हेयर फॉर फॉर सब्जेक्ट साइंस एंड वी आर हेयर फॉर रिवाइजिंग आवर मिड टर्म सिलेबस। वी हैव कवर्ड आवर मिड टर्म सिलेबस इन स्कूल। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर सिलेबस। दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ योर क्लास सिक्स and we are in this video we will discuss chapter number 11 and your topic name is sound all around and your book page number is 126. You can use your book. I'm showing you your book. Your book page number is 126. Now guys, we have topic sound all around. Like what is this? This is sound. You are getting me? What? How are you getting me? You are getting me by the sound. आप मुझे कैसे सुन रहे हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? आप मुझे सुन रहे हैं ना? आप मुझे सुन रहे हैं, मेरी आवाज़ कैसे आ रही है? ये साउंड ही है जो ट्रैवल होके आप तक आ रहा है और आप इसे फील करते हैं। कहाँ फील करते हैं? इसे अपने एयर्स में फील करते हैं। किससे फील करते हैं? अपने एयर्स में फील करते हैं। और किसके थ्रू करते हैं? वी नीड सम मीडियम टू ट्रैवल द साउंड वेव एंड वी गेट इट एंड वी अंडरस्टैंड एंड देन वी फील कि हाँ भाई, ये साउंड था जो मैंने एक छोटा सा आपको लाउडनेस वाला साउंड दिया, लाइक अ वाला, वो साउंड था हमारा। फॉर फर्दर डिटेल्स, व्हाट इज साउंड, हाउ साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? जो हम आसपास अपनी ज़िंदगी में शोर सुनते हैं, कुछ सॉफ्ट होता है, कुछ लाउड होता है, वो क्या होता है सब? तो ये पहुंचता कैसे और बनता कैसे? नंबर वन, व्हाट इज साउंड? साउंड कॉज बाय वाइब्रेशन। देखें, पार्टिकल्स जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड ट्रैवल करता है। साउंड कैसे बनता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। साउंड इज कॉज बाय ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेशंस। लाइक वी नीड अ मटेरियल टू पास थ्रू, वेदर इट इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। साउंड तीनों में से ट्रैवल कर सकता है, गैस में से भी, लिक्विड में से भी, सॉलिड में से भी। और साउंड की स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड? इट स्पीड इज 330 मीटर पर सेकंड इन एयर। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमारे दरमियान क्या है? एयर है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन इसको ये साउंड हमें बता रहा है कि एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर वो ट्रैवल करता हुआ आप तक पहुँच रहा है। तो एयर के अंदर इसकी स्पीड कितनी होती है साउंड की? 330 मीटर पर सेकेंड। नाउ साउंड वेव, व्हाट इज साउंड वेव? साउंड लाइक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन वेव्स। साउंड कैसे ट्रैवल करता है? साउंड सिंगल नहीं, वेव फॉर्म बना के। वेव आपने देखी ना, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, लाइक दिस वेव। अगर मैं कहूँ तो साउंड अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दिस इज द फॉर्म ऑफ वेव, साउंड वेव। बट वेयर लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, जिस तरह हमने पहले भी पढ़ा है, तो हमारी जो लाइट वेव्स होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और साउंड वेव्स हमारी कैसी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स होती हैं। कैसी होती हैं? ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स स्प्रेड थ्रू द एयर जस्ट एज रिपल्स स्प्रेड आउट अक्रॉस वाटर। However, sound waves make the air vibrate backward and forward, not up and down like the ripple. No water. Sound needs a material to travel through, and sound waves are made by particles moving backwards and forwards in a wave motion. For example, you can see here this picture. This is a picture of spring. Like, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास spring है, रोल हुआ हुआ है, मैंने इसको स्ट्रेच किया हुआ है, ठीक है, देन मैं आपके पास मैं इसको स्ट्रेच करूं और मैं इसको छोड़ूं, तो आप फील करते हैं ना इसके अंदर वाइब्रेशन है, इसके अंदर वाइब्रेशन, एक इस तरह की जन जन सी आवाज़ आती है। तो क्या हमें फील हो रहा होता है कि ये जो है हमारी जो वेव्स हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ, एक्सपेरिमेंट करना चाहूँ, तो बच्चों आप क्या करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक इलास्टिक लीजिए
या एक रबर बैंड होता है उसको लीजिए, उसको स्ट्रेच कीजिए, उसको आप स्ट्रेच करके जब छोड़ेंगे तो देखते हैं ना मूव कर जाता है। वो कैसे मूव करता है, उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो उसके अंदर वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। यू कैन मेक अ रूलर वाइब्रेट बाय, अच्छा फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड दिस पिक्चर, नाउ वॉट इज वाइब्रेशन, ये जो मूवमेंट है किसकी वजह से हुई, वाइब्रेशन की वजह से, किसकी वजह से हुई ये मूवमेंट, वाइब्रेशन की वजह से। तो नाउ व्हाट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज अ रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। व्हाट इज वाइब्रेशन, वाइब्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दैट वुड बी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस साइन मेंशन दिस साइन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हियर। व्हाट इज वाइब्रेशन, व्हाट इज वाइब्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ particles that would be forward or backward. As the particle vibrates, some are squashed together and other are spread apart. If you listen to radio, when the tone of the loudspeaker vibrate, it stretch and squash the air in front of it. The stretch and squash travel outward through the air as invisible wave, which eventually reach your ear and you hear them as sound. Vibration can travel through different materials. They travel through the air when you play a musical instrument. In this case, the instrument makes the air particle close to its vibrate, and the vibrations are passed on them on to more air particles. When the vibrations reach your ear, you hear them as sound. The air particles themselves do not travel, they only vibrate. It is the sound wave that travel from the musical instrument to your ear. Air के particles जो होते हैं वो move नहीं कर रहे, वो move, for example वो wave form बनकर हमारे कान तक नहीं आ रहे, लेकिन जो for example आपने क्या किया, for example अब मैं इसको बजाती हूँ, आप देखें इसके अंदर से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जो एयर में पार्टिकल्स थे उन्होंने वाइब्रेट किया, उन्होंने मूव किया और वो आवाज़ कहाँ तक पहुँची, मेरे एयर ड्रम तक। ये मेरा कान है, इसके अंदर एक एयर ड्रम, अल्लाह ताला ने एक इसका स्पेसिफिक पार्ट रखा, वहाँ तक ये पहुँचा और मैंने फील किया कि मैंने कुछ सुना। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ साउंड ट्रैवल। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ साउंड ट्रैवल, साउंड ट्रैवल कैसे करता है। साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड इन द सेम वे। ये सॉलिड और लिक्विड में तो सेम वे में ट्रैवल करता है, बट इट ट्रैवल फास्टर थ्रू सॉलिड एंड लिक्विड बिकॉज देयर पार्टिकल आर क्लोज टूगेदर इन एयर। द स्पीड ऑफ साउंड इज अबाउट 330 मीटर्स पर सेकेंड, एज आई हैव मेंशन यू। द एग्जैक्ट स्पीड डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। साउंड ट्रैवल ऑलमोस्ट 5 times faster through water than it does through air, and even faster through most solid. When you are underwater, a swimming pool, it is hard to tell where a sound is coming from because it travels faster and reaches both air at virtually at the same time. इसकी स्पीड जो सबसे ज़्यादा होती है वो वाटर में होती है as compared to solid and air. When you stand at a railway, it's an example. तो कैसे ट्रैवल करता है स्टूडेंट्स, ये ट्रैवल करता है कि वाइब्रेशन होती है, पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, देन ये एयर में ट्रैवल करता है और हमारे एयर ड्रम तक पहुंचता है और हम इसे महसूस करते हैं कि ये साउंड है। दे एयर एंड हेयरिंग, नाउ वी डिस्कस एयर एंड हेयरिंग, हमारे कान और उसकी हेयरिंग कैसे होती है। दिस इज़ हाउ वी हेयर साउंड। साउंड वेव्स आर डायरेक्ट इन टू द एयर कैनाल बाय द आउटर ईयर विच एक्ट्स लाइक अ फनल। द साउंड वेव्स मेक द एयर ड्रम वाइब्रेट। जो हमारा साउंड वेव है वो फनल में मूव करता है और वो हमारा क्या करता है, एयर ड्रम को वाइब्रेट करता है। These vibrations are passed on to the cochlea by a set of 3 tiny bones called the hammer, anvil and stirrup. In the cochlea, a liquid moves backwards or forward and stimulates nerve cells. The nerve cells send impulse along the auditory nerve to the brain. The ears detect the direction that the sound is coming from by sensing which ear is nearer to the sound. Look at the picture here, that is in your book. Your book page number is
129. You can use your book and you can see this picture of the book. That is, आपका ये आउटर ईयर है बेटा. इसके अंदर पार्ट्स दिख रहे हैं. तीन आपके अंदर जो बोन्स हैं, पहली वाली कौन सी, उसका नाम है मैं बताया, एनविल एंड स्ट्रिपर. कोलिया एक ऐसा लिक्विड है जिसके अंदर वो जो वाइब्रेशन जाती है तो वो मूव फॉरवर्ड एंड उसकी मूवमेंट शुरू होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और वो नर्व सेल्स को स्टिमुलेट करता है. देन इम्पल्स होती हैं ऑर्डिनरी नर्व ब्रेन में, और उसके बाद जो है वो वाइब्रेट, फिर वो साउंड को डिटेक्ट करता है कि वो कहाँ से आ रहा है. फिर वो अपने साउंड को डिटेक्ट करने के बाद फिर वो बाकायदा तौर पे आपको सिग्नल सेंड करता है, जिसे आप फील कर रहे होते हैं कि ये साउंड, ये वाला साउंड हम तक पहुँचा है. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो ये सारा प्रोसेस आपके साथ भी हो रहा है. सारा ये मेरी, जैसे मैं बोल रही हूँ इसी तरह से ये सब कुछ ट्रैवल होता होता आपके कान तक जा रहा है, और आपके कान में भी यही प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. लाउड एंड सॉफ्ट साउंड. साउंड के भी टाइप्स होते हैं. लाउड आप अक्सर सुनते हैं, म्यूजिकल साउंड कितने लाउड होते हैं. सॉफ्ट, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, अगर मैं धीमी आवाज़ में बात करूँगी तो क्या होगा, साउंड की क्वालिटी क्या हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी. अगर मैं चीख चीख के बात करना शुरू कर दूँ या आप अपना म्यूज़िक इतना लाउड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वो नॉइज़ में कन्वर्ट हो जाता है. लाउड साउंड मोस्टली जो हैं नॉइज़ में फील किए जाते हैं. अ व्हिसल मेक्स अ वेरी हाई पिच साउंड. The vibrations are very fast. A bass guitar or a double bass make a very low pitch sound. Its vibrations are quite slow compared to those made by a whistle. सीटी देखी है आपने, यस देखी होगी, और बच्चों को तो बजानी भी आती है. बहुत सारे बच्चे इसे बजा भी सकते, ऐसे सीटी मुँह से भी बजाते हैं, बहुत आती है बच्चों को. तो वो क्या है, हमारी उसकी पिच जो है बहुत हाई होती है, उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट, उसकी वाइब्रेशन बहुत फास्ट होती है. इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट हैं. एग्जाम्पल आपके पास आसपास बहुत सारी होंगी. आई होप यू गेट इट वेरी वेल. एंड आपको उसको बहुत अच्छे से दोबारा रीड करना है फॉर योर असेसमेंट. दैट वुड बी ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम्स और फिलिंग द ब्लैंक्स और चूज द बेस्ट आंसर मे बी. सो बेटा रीड कीजिए इसे केयरफुली अगेन, एंड आई होप यू गेट इट वेरी वेल. बाय फॉर नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.